हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो अभी इस वक्त मैं हूँ रामपुर बुशहर और थोड़ा सा यहाँ पे काम था, तो आया था देखने कि लवी मेले में इस बार किस तरह का रश है और क्या हो रहा है। तो इस बार लवी मेले में जो हम देख रहे हैं, जो आज तक लवी मेला होता था उसी हिसाब से तो आजकल कुछ नहीं है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं पहले आज तक जो भी लवी मेला होता था दोनों साइड शॉप्स फुल होता था, भरा हुआ। लेकिन इस साल एक साइड ही शॉप है और एक साइड आपकी बिल्कुल खाली है। तो इस साइड थोड़े थोड़े लोग आने लग गए। ये देखिए, बस वन साइड ही आपको राइट साइड ही शॉप नज़र आ रही होगी। तो ये लेफ्ट वाली साइड जो आप ये देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली है। तो इस बार इससे हम यही कह सकते हैं इस बार व्यापारी वर्ग काफ़ी ही रुष्ट है और लवी मेले में की ओर आने का रुख नहीं कर रहा है। तो कुछ एक शॉप यहाँ देखिए, यहाँ अभी ये नए आ रहे हैं, आज ही आ रहे, कल यहाँ बिल्कुल खाली था। तो वैसे हम हर साल देखते तो 11 तारीख को इस तरह का माहौल होता था, लेकिन जो 12 तारीख की लवी होती थी उसमें दोनों साइड रोड के काफ़ी मतलब दुकानें लग जाती थी, लेकिन इस साल बस वन साइड ही आप देखेंगे तो वन साइड ही दुकानें लगी है, दूसरी साइड मतलब खाली ही है, उतनी ज़्यादा दुकानें इस बार नहीं है। तो इससे हम यही कह सकते हैं कि इस बार जो लवी मेला है तो ठंडा ही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हम हर साल लवी मेले में आते हैं तो काफ़ी रश होता है। तो इस वक्त देखिए अभी शाम का वक्त है, तो जब हम लास्ट ईयर भी लवी मेले में आए थे उस टाइम थोड़ा कोरोना का भी खतरा था, तो उसके बावजूद भी जो इस वक्त का टाइम होता था शाम के वक्त तो रोड में काफ़ी जाम लग जाता था, तो गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाती थी। जो जहाँ से भी मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, मैं अभी रामपुर बस स्टैंड पहुँचने वाला हूँ, पुराना बस स्टैंड, तो इस जगह पर लंबा लंबा जाम लग जाता था, काफ़ी लोगों का दोनों साइड रश होता था। जो इस वक्त शाम का वक्त है, अभी 6:30 है शाम के, तो इस बार देखिए बिल्कुल रोड खाली है, ना कोई जाम है, ना मतलब उतने सारे लोग भी कम आ रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि जो आने वाले एक दो दिन हैं तो लवी मेले में कहीं रश बढ़ जाए इस बार। तो इस हिसाब से तो लग रहा है इस बार लवी मेला तो 50% ही है, इतना बुरा हाल तो कोरोना के टाइम में भी नहीं हुआ था। जब कोरोना का समय था, एक साल बंद रहा लवी, तो उसके जब नेक्स्ट ईयर लवी मेला हुआ तो काफ़ी मतलब जो इस साल की लवी से 10 गुना अच्छा था। तो इस साल पता नहीं किस वजह से। तो ये देखिए मैं भी आपको गाड़ी ड्राइव करते करते यहाँ पहुँच चुका हूँ ओल्ड बस स्टैंड के सामने। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड है खाली, कोई भी रश नहीं है, बस ये थोड़ी गाड़ियाँ बीच में खड़ी है जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रही है मेरे हिसाब से। बाकी तो आप देख सकते हैं देखिए बिल्कुल खाली, आपको लोग भी कमी नज़र आ रही है, इतना आम रश तो आपका रोज़ाना ही होता है रामपुर में। इस बार लवी मेला जो हमें लग रहा है मेरे हिसाब से तो काफ़ी ही कम है रश। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मुझे पूरे दिन भर थोड़ा बिजी था जिस वजह से ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। तो अभी शाम के वक्त अपनी ड्यूटी से जब वापस लौट रहा था तो सोचा चलते चलते एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना लेता हूं और साथ ही साथ कुछ बातें आपसे भी शेयर कर लेता हूं। तो आज मुझे गौशाला में जाने का वक्त भी नहीं लगा, नहीं तो जब मैं ड्यूटी से आता हूं तो शाम के वक्त गौशाला ज़रूर जाता हूं और आपकी अपनी गौशाला से प्यारे प्यारे वीडियो लेके आता हूं। तो फ्रेंड्स आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए इस चैनल पर डेली नए नए ब्लॉग लाता हूँ, तो आज मैं दिन भर मुझे वक्त नहीं मिला जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो भी मैं आपको यहीं से लवी मेले का थोड़ा सा दर्शन करवाया, बाकी मैं कल ज़रूर जाऊँगा। अभी मैं ग्राउंड में नहीं गया आज के दिन, तो कल के दिन ग्राउंड में जाऊंगा, तो वहां से छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बना के ज़रूर लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी गौशाला
के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम अपनी गौशाला में गौ माता की सेवा कर सके। क्योंकि अगर आप हमारे कार्य को प्रोत्साहन देंगे तभी हमें भी एनर्जी मिलेगी, जिससे हम अपनी गौशाला में और ज़्यादा गौ माता की सेवा कर सके। तो इस महीने हमारी गौशाला में 8-10 गौ माता और आ चुकी हैं, तो लास्ट मंथ 50 थी, तो अब हमारे पास 60 से ऊपर हो गई है। बाकी मैं टोटल काउंटिंग करके आपको एक दिन में जैसे ही टैगिंग होगी तो आपसे ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा अपनी गौशाला का, कि हमारी गौशाला में एग्जैक्ट इस टाइम कितनी गौ माता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ कल के वीडियो में। तो आज का वीडियो ये छोटा सा, तो आप हमें माफ़ कीजिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा।